आज हम लोग जियाज का क्वेस्ट लाइव कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आज हम लोग जियाज का क्वेस्ट लाइव कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये वाला क्वेस्ट कंप्लीट करने पर आप लोगों को 150 रेपुटेशन पॉइंट मिलते हैं। सब लोगों को मालूम है आपके जो रेपुटेशन इंटरेस्ट पॉइंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अभी मार्केट की एक्सेस तो आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपने YGG गिल्ड वाला क्वेस्ट किया था, 300 मिलते थे। अपने सोशल वगैरह कनेक्ट कर लिए तो आपको 300 पॉइंट्स मिल गए और आपको मार्केट की एक्सेस मिल गई। लेकिन बंदे को जो ट्रेड होता है, लेट से पीयर टू पीयर है, एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के साथ जो ट्रेड होता है, उसके लिए आपके रेपुटेशन पॉइंट्स ट्रस्ट स्कोर थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए दो क्वेस्ट, एक फ्लोर पाउडर वाला मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था, बिल्कुल ईजी है, 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। और उसके बाद आपको 50 पॉइंट्स वहाँ से मिलते हैं एंड 150 पॉइंट्स आपको इस क्वेस्ट में मिलते हैं, तो 200 पॉइंट्स आपके एडिशनल हो जाएंगे। अभी मैंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लिक कर ली थी, लेकिन आपने हमेशा आना है इधर, फिर आने के बाद ये वाला जो बंदा है ना जियाज, इसके पास इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपका जो क्वेस्ट है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखें, अभी मुझे ये वाला जियाज शेक ब्रेक क्वेस्ट मिल गया। अभी हमारी ये वीडियो एक दूसरी वीडियो के साथ लिंक रहेगी एंड यकीन माने कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रियल पर्पस बताऊंगा कि मैंने अभी ये क्वेस्ट क्यों कंप्लीट किया है, और उसी के साथ साथ आप लोग इसको कैसे यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि एक ऐसी ट्रिक है जो आपको न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी, बल्कि उसी के साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स कॉइन अर्न करने में मदद करेगी। तो आपने जियाज के पास बात करके क्वेस्ट लेकर उससे दोबारा इधर आना है। आपके पास कुछ आइटम्स होनी चाहिए, या आपने बारनी बाज़ार में जाना है, बारनीज़ बाज़ार में जाने के बाद यहाँ पर एक ऐसी मशीन है जहाँ पर आपने अपना जो कैंडी शेक वाला मिल्क है वो बनाना है। लेकिन एक बात बता चलूँ, आपका जो लेवल है यहाँ पर देखें, ये वाला बेवरेज लेवल है ना जहाँ पर आप वाइन बनाते हैं, तो 1 होना चाहिए। तो बेवरेज वे लेवल 1 आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप एक ही पॉप बेरी की बॉटल बनाते हैं तो आपका ये वाला जो लेवल है अचीव हो जाता है। तो आपने सिंपली यहाँ पर आना है, यहाँ पर देखें आपको ये सारी आइटम्स चाहिए होंगी, आपको हनी चाहिए होगी, आप मार्केट से बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद की हनी भी नहीं है, ये आप फ्री में कल्टिवेट कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ ये सारी सारी आपको फ्री मिलती हैं, और ये आप मार्केट से बाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक काऊ को फीड करना स्टार्ट नहीं किया मूव मंच, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको भी आप मार्केट पर बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, बहुत ही ज़बरदस्त एक लेट्स से अपडेट थी कि जहाँ पर प्लेयर्स को बिल्कुल फ्री में मार्केट एक्सेस दे दी गई है। पहले आप बहुत ज़्यादा हाई रेपुटेशन चाहिए होती थी, 700 चाहिए होती थी, और उसके साथ साथ आपको 900 चाहिए होती थी अगर आप मार्केट पर कुछ चीज़ सेल करना चाहते हैं। लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा कम रेपुटेशन के साथ ही यहाँ पर बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो हम इसको कंप्लीट होने देते हैं, क्योंकि ये 4 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, और उसके बाद हमें दोबारा जियाज के पास जाना है, और वहाँ से हम लोगों ने उससे एक नेट लेना है। वो नेट यूज़ करके हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पर फ़िश कैच कर सकते हैं। अभी तक फ़िश का कुछ खास यूज़ नहीं है, आप उसको बाय एंड सेल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने पास उसको इन्वेंट्री में रखना है, उसको फेंकना नहीं है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ लोगों ने जो जुम बारा हेड कट करने के लिए आपको मिलती थी स्वॉर्ड, मिलती थी स्वॉर्ड तो तलवार, आप वो भी लोगों ने फेंक दी। उसी के साथ साथ जो YGG में गिल्ड में आपको आइटम्स मिली होती है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास और उसके साथ एक और कुछ पावर का एक स्टोन मिलता है आपको, तो वो लोगों ने फेंक दिए। तो आपने इन चीज़ों को फेंकना नहीं है, बल्कि अपने पास इन्वेंट्री में रखना है। तो हम लोग वीडियो को यहाँ पर होल्ड करेंगे, और जब ये कंप्लीट होगी उसके साथ हम लोग दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा कैट एंड कैंडी मिल्क शेक रेडी हो रहा है, ओनली 4 सेकेंड्स बचे हैं। ये शेक हम लोग लेकर जाएंगे जियाज के पास। एक चीज़ बताता चलूँ, जियाज बेसिकली आपका जो एक्स इन्फिनिटी थी उसका डेवलपर था, उस बंदे ने एक्स इन्फिनिटी गेम को बनाया था। तो एनीवेज हम लोगों का जो शेक है ये बन चुका है, और हम लोग अभी चलते हैं जियाज के पास। तो आप इसको बनाकर सेल भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्राइस में सेल हो जाता है। इसमें जो आइटम्स दरकार हैं उसमें कुछ तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री मिल जाती हैं, क्योंकि आप जो फार्मिंग कर रहे होते हैं उस पर आपकी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है। लेकिन ऑफ कोर्स आपको बाय करना होता है काऊ का मिल्क। अगर आप खुद का मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, काऊ को फीड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 4 के बाद देती है एक मिल्क, उसके बाद थोड़ा लेवल आपका इंक्रीज़ होता है जूँ ही एनिमल केयर में, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2 के बाद, और उसके बाद ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको मिल्क प्रोड्यूस होने लग जाता है, आपको मिल्क की बॉटल्स मिलने लग जाती हैं। तो आप उनको डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप उनको लेट्स से के ये शेक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, अभी हम लोग इसके ऊपर टैप करते हैं, ये देखें इस बंदे ने वो हमको नेट दे दिया। आह, द कॉटन कैंडी मिल्क शेक, अ रिफ्रेशिंग ट्रीट इंडीड एज प्रॉमिस्ड। ओके, अभी इस बंदे ने हम लोगों को दे दिया है जी ये वाला जो शेक था, याम जी हाउस फ्रॉम एक्स इन्फिनिटी। इस बंदे ने अपना तारुफ भी कराया कि ये एक्स इन्फिनिटी से है, दिस इनक्रेडिबल, दिस एंड डेड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई। तो अभी हम लोगों को ये नेट मिल गया है, ये नेट यूज़ करके हम लोग फिशिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने रेपुटेशन पॉइंट्स देखें, रेपुटेशन पॉइंट्स अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, कभी कभी घंटे लग सकते हैं।
अभी मेरी रेपुटेशन 640 है, तो ये कंप्लीट होने के बाद 790 हो जानी चाहिए। एंड कुछ ही दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैं पीयर टू पीयर ट्रेड करने के लिए भी रेडी हो जाऊँगा। ये मेरा सेकंड अकाउंट है, सब लोगों को मालूम है। और सेकंड अकाउंट रेडी होने के बाद मैं आपको असली फ़ायदे बताऊँगा, एक्चुअल जो उसका प्रॉफिट है वो बताऊँगा कि आपने कैसे इस चांस को यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम अर्निंग करनी है। और अपने लेवल्स लाइक एक दिन के अंदर अंदर आप अपने लेवल्स जो मर्जी लेवल इंक्रीज़ करना चाहें, एक दिन के अंदर अंदर आप उसको एक लेवल से लेकर 20 लेवल, 20वें लेवल तक आप बिल्कुल ईजी लेकर जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी से जल्दी ये क्वेस्ट कंप्लीट करें जिस बंदे ने अभी तक ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है, ताकि आपको एडिशनल 150 रेपुटेशन पॉइंट्स मिलें। हम लोग रिफ्रेश करके एक बार चेक करते हैं, अगर अभी अपडेट हो जाएं, बट टाइम लगता है, अभी नहीं हुए हैं, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद ये अपडेट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।